भाई ये जो गाड़ी है ना, इसके अंदर मीटर लगेगा आज, डिजिटल मीटर। एफ जेड गाड़ी का मीटर लगाने की सोच रहा हूँ, डिजिटल मीटर उसमें लगवा लूँ एफ जेड का। अभी जा रहा हूँ नदीम भाई के पास, एक ही भाई है हमारे नदीम भाई जो मीटर का काम करते हैं एकदम मस्त मक्खन, तो जा रहे हैं उनके पास। ये जो मीटर है ये एनालॉग मीटर है, नॉर्मल वाला। अभी जो एस जेड आ रही है उसका तो खैर पूरा सिस्टम ही अलग है, बट इस गाड़ी के अंदर वो फीचर अगर दिया जाए डिजिटल मीटर वाला, वो अलग ही एकदम यूनिक इन्हेंस लुक देगा। वो क्या देगा क्या नहीं देगा वो आपको मैं मीटर लगाने के बाद ही बता पाऊँगा, दिखा पाऊँगा। तो भाई चलते हैं वर्कशॉप पे नदीम भाई की, और मिलते हैं आपसे सीधे डायरेक्ट नदीम भाई के पास। बारिश आने जैसा मौसम हो रखा है, मौसम थोड़ा सा बारिश जैसा हो रखा है, देखते हैं बारिश ना आए। बस बारिश आ गई तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, बारिश में वीडियो नहीं हो पाती अच्छे से शूट। तो चलते हैं देखते हैं जैसा भी है। Moments later. तो भाई फाइनली नदीम भाई के पास आ चुके हैं। नदीम भाई ये हमारे है ना, बढ़िया नदीम भाई। तो नदीम भाई ने अभी मीटर का पूरा जुगाड़ कर लिया है। ये क्या है मैं आपको एंड में बताऊंगा। तो अभी हमारी ये गाड़ी है यामा की SZR, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये रही गाड़ी, ठीक है, इसको खोल रहे हैं। तो वल्ली भाई हमारे पीछे टीटो में लेके आ रहे हैं, खोल रहे फटाफट से इसकी हेडलाइट और खोल के देखते हैं। तो आज का दिन मीटर में जाने वाला है हमारा, डिजिटल मीटर लगेगा SZR के अंदर। जितने भी भाई लोग हैं इस वीडियो को देखेंगे, एंड में एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा आपको, बहुत ज़्यादा काम की, वो आपको मैं एंड में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। वीडियो को स्किप मत करना, फटाफट हेडलाइट खोलते हैं, मीटर की फिटमेंट देखते हैं, वायरिंग देखते हैं, उसके बाद आपको आगे बताते हैं। तो ये SZR का मीटर खोल रहा है हमारा, ये नदीम भाई खोल रहे हैं। नदीम भाई ये बढ़िया, ये क्या बात है, कंप्लीट मीटर निकल रहा है इसमें है। तो भाई मीटर निकल चुका है ये रहा। अच्छा नदीम भाई चालू वालू हो जाएगा मीटर वीटर, मशीन वशीन सब मस्त मक्खन काम करे, ट्रिप ब्रिप सब सब कुछ एकदम लाइट वाइट सब। अरे क्या बात है, बढ़िया मजा आ जाएगा देख के। लाओ एलईडी दिखा ना, देखते हैं भाई खुलने के बाद लगने के बाद कैसा लगता है। करेंगे SZR गाड़ी में ये वाला मीटर फिट, तो मीटर दिखाना है नदीम भाई जरा। ये मीटर हम फिट करेंगे SZR गाड़ी में। ये वाला जो मीटर है ये है एकदम ब्रांड न्यू मीटर। तो इसकी पन्नी निकालने की थोड़ा सा सोचा था, पन्नी निकाल दी जाए, पन्नी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही थी। ये देखो पन्नी निकाल दी। अब इस पन्नी को निकालने से क्या होगा, बस साइनिंग और अच्छी आएगी। और ये पन्नी जो है निकालना बहुत जरूरी होता है, पर काफ़ी सारे लोग निकालते नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इस मीटर को पैक करके देखते हैं इसकी रीडिंग कितनी है। जीरो होगी ना मीटर तो रीडिंग, हाँ बिल्कुल जीरो होगी मीटर की रीडिंग। एकदम ब्रांड न्यू मीटर है, फर्स्ट क्लास काम करेगा, लाइट वाइट सब चालू करेगी। नदीम भाई सब कुछ काम करेगा मीटर में एकदम बढ़िया, सब कुछ बढ़िया। काफी सारे मैकेनिक बोलते हैं ना मीटर में ये काम नहीं करेगा वो काम नहीं करेगा, एक एक चीज बारीकी से काम करेगी। अच्छा एक बात और नदीम भाई बोल रहे हैं, इसके अंदर जो इसकी RPM मीटर है वो भी काम करेगा, और साथ में इसका लाइट वाइट इंडिकेटर ट्रिप ब्रिप सब कुछ काम करेगा। तो अब देखना ये है कि काम करता है या नहीं करता, ये बातें बातें हैं। बिल्कुल वैसे मुझे लगता नहीं कि नदीम भाई ऐसा हो सकता है कि काम ना करे, काम तो करेगा भाई जब एक्सपीरियंस लगेगा 40-45 साल का इसके अंदर। तो फटाफट नदीम भाई फिट करते हैं गाड़ी के अंदर, मीटर मीटर सब खोल लिया है हमने इसके अंदर का, सब ताम झाम फिट करते हैं और गाड़ी का मीटर फिट करते हैं। मीटर फिट करने के बाद इसको आगे की सेटिंग आपको बताएंगे, पूरी कंप्लीट वीडियो देखना, बड़ा मजा आने वाला है। अच्छा अपनी बाइक में कोई सा भी मीटर फिट कराने हो कराना, कोई सा भी मीटर फिट कराना हो डिजिटल मीटर, तो आप यहां सकते हो नदीम भाई के पास। दुकान नंबर 132 दक्षिणपुरी एरिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एड्रेस फोन नंबर सब डाल रखा है, आ सकते हो। कोई सी मोटरसाइकिल BS6 मोटरसाइकिल के मीटर बहुत सारे हैं। देखो भाई ये दिखाओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ BS6 मोटरसाइकिल जो स्प्लेंडर आई है ना एक्सट्रैक्ट, ये देखो ये भाई मीटर कवर है। BS6 मोटरसाइकिल जो आई है एक्सट्रैक्ट मीटर आई है वो, और ये देखो ये एक्सपल्स का है ना, ये देखो ये एक्सपल्स का मीटर है एकदम मक्खन मीटर भाई साहब। ये देखो ये दो, ये देखो ब्रांड न्यू मीटर, ये देख रहे हो ये सारे मीटर ये है BS6 एक्सट्रैक्ट जो भी अभी तो दिल्ली में आई तक नहीं है उसके मीटर भाई, और वो भी प्रॉपर हीरो के जेन्युइन मीटर है। ये देखो एकदम जेन्युइन मीटर, गारंटी भी बकायदा सी, कोई गारंटी नहीं देता भाई, हम देते हैं गारंटी। ये अंदर से ऐसा है देखो, इसको ये अंदर की प्लेट है ब्रांड न्यू प्लेट है, देखो एकदम परफेक्ट न्यू प्लेट एकदम मलाई एकदम आगे डिस्प्ले इसमें ले जाएगी। BS6 एक्सट्रैक्ट गाड़ी का भाई ये, मैं तो हैरान हूँ। तो फटाफट से पैक करते हैं इस मीटर को, उसके बाद आपको आगे का जलवा दिखाते हैं गाड़ी का ना, कैसी लगने वाली है गाड़ी। तो ये देखो ये लग रहा है मीटर हमारा, अभी सिंपल वे में फिट कर रहे हैं बस इसको ऐसे ही, उसके बाद पत्ती में फिट कर देंगे ना। हाँ पत्ती में फिट करूँगा। हाँ FZ वर्जन 2 का मीटर फिलहाल लगा रहे हैं, देखते हैं। ये देखने में तो अच्छा लग रहा है भाई, बाकी जब चलेगा ना डिस्प्ले डिस्प्ले आएगी मज़ा आ जाएगा, इसमें कहर आ जाएगी, कहर है ना भाई। ठीक है ये नहीं, सारी इसमें तारे दे रखी हैं देखो, ये सारी तारे कहीं ना कहीं फिट होंगी गाड़ी में। और ये जो मीटर इसमें चालू होता है ना, मीटर इसमें वायर से चालू होता है इस वाली से, ये वाली वायर को इसमें कनेक्ट करना कैसे करेंगे ये तो भाई देखते हैं आगे। और इसमें जहाँ तक मुझे लगता है सेंसर लगाना पड़ेगा, और देखते हैं आगे का प्रोसेस क्या होता क्या नहीं होता। फाइनली इसके मीटर के अंदर लाइट आ चुकी है। तो भाई नदीम भाई दिखाओ जरा,
ये क्या बात है, अरे भाई साहब मीटर एकदम परफेक्ट लाइट। कैसी लग रही है भैया आपको, कैसी लग रही है? बहुत बढ़िया मक्खन एकदम मस्त। ये भी अपना मीटर रिपेयर कराना है, इनका मीटर रिपेयर हो रहा है, अली वायर पहना डिस्कवर रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये देखो लाइट वाइट सब कुछ चल रही है। अभी क्या करना, फ्यूल मीटर वगैरह ये सब चीज़ें चालू करनी है। हाँ लाइट हो गई, मिंडिकेट मीटर की लाइट हो गई, ट्रिप व्रिप सब कुछ काम करेगा रह गया अभी बाकी। तो फटाफट से धड़पड़ धड़पड़ करो। अच्छा ट्रिप दबाएं, अरे क्या बात है, अरे भाई वाह 26,121 किलोमीटर चली है ये, और यहाँ से 0.2 जीरो कर दो, जीरो हो जाएगी गाड़ी, हो गई जीरो, ये हो गई ये, अरे भाई सब क्या बात है, जीरो हो गई फर्स्ट क्लास। चलो भाई मक्खन हो गया मामला एकदम। फटाफट मैं आपको आगे और भी चीज़ दिखाऊंगा बहुत खास खास, जल्दी फटाफट देखते जाओ, बस पूरा पैक होने दो, लाइटें वाइटें सब चालू होने दो उसकी। तो भाई फाइनली गाड़ी के अंदर मीटर जो है फिट कर दिया है, तो वो जरा मीटर तो जिस तरीके से देख रहा है हमारा मीटर, ये वर्जन 2 का FZ का। अभी चाबी ऑन करूँगा, कुछ आएगा नहीं क्योंकि भाई कनेक्शन नहीं हुए, ठीक है ना। तो कनेक्शन होने के बाद मीटर वीटर ट्रिप व्रिप लाइट वाइट एकदम मक्खन की तरह काम करेगी। अभी इसकी वायरिंग वायरिंग कर रहे हैं, देखते हैं वायरिंग करने के बाद कैसा लुक आता है इसका। वैसे लुक तो मज़ेदार रात को ही होगा जो आना चाहिए। अच्छा एक काम और रह जाएगा इसके अंदर, वो क्या रह जाएगा वो मैं आपको बताऊँगा वीडियो के एंड में, और अभी फिलहाल इसको फिट करने के बाद ही देखते हैं क्या प्रोसेस का रह जाएगा, देखते हैं कैसा लगेगा। आप एक बार कमेंट करके बताना कैसा आपको लग रहा है, कैसा लग रहा है मीटर। ये इसका पुराना मीटर मैं आपको दिखाता हूँ, पुराना मीटर कहाँ है, ऐसा पुराना मीटर है ये हमारे पास ये वाला। तो ये कुछ इस तरीके से बदल गया, ये वाला मीटर ऐसे करके लग जाता है, और ये वाला मीटर हट गया है, और ये वाला मीटर लग गया है। ये है एनालॉग मीटर, ये है डिजिटल मीटर। तो फटाफट लगाते हैं और देखते हैं आगे का प्रोसेस। ये लो भाई रखो इधर। तो भाई फाइनली मीटर लग चुका है, मीटर में लाइटें भी काफ़ी आ गई हैं, और इंडिकेटर चालू हो गए हैं, हेडलाइट चालू हो गया, पेट्रोल का चालू हो गया। मैं आपको बारीक से दिखाता हूँ, ये देखो मैं पेट्रोल का मीटर हमारा चालू हो गया। ये क्या बात है नदीम भाई, कुछ कहना चाहोगे इस विषय पर? भाई मैं तो यही कहना चाहूँगा राजवीर भाई आप जब आओगे तो एक नया काम होता है जब भी आप आते हो, मज़ा आता है। तो भाई अभी ये SZR गाड़ी है, इसमें SZ वर्जन 2 का मीटर लगाया है, कोई सी भी गाड़ी का मीटर लगा सकते हैं, वर्जन 2 का R15 का KTM किसी का भी मीटर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम सोच रहे थे स्प्लेंडर BS6 का मीटर लगाने के लिए, पर उसके लिए आपको कमेंट करनी पड़ेगी बहुत सारे, उसके बाद ही हम लगाएंगे मीटर आगे आगे। तो अभी आगे देखते हैं, अभी सिर्फ मीटर का रह गया और रेस का रह गया, देखते हैं मीटर रेस के बाद क्या रह गया क्या नहीं रह गया, उसके बाद पैक करके फिर आपको बताते हैं जैसा भी है। इस गाड़ी का मीटर भी चालू हो चुका है, मीटर में RPM मीटर चालू हो गया। ये जो RPM देख रहे हो आप, एकदम मक्खन की तरह काम कर रहे हैं। ये देखो ये क्या बात है भाई, फर्स्ट क्लास एकदम। पूरी गाड़ी पैक करने के बाद देखते हैं आगे का प्रोसेस, मस्त मज़ा आ गया। कुछ यहाँ सेटिंग वेटिंग करी है, और कुछ वायरिंग में सेटिंग करी है इस तरीके से। ये देखो भैया, ये है कुछ वायरिंग सेटिंग करी है। तो अभी इसकी केबल को लगाना रहेगा। फाइनली हमारी गाड़ी का जो मीटर है वो लग चुका है, मीटर में दिखाता हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे बड़ी बात पता क्या होती है, मीटर के अंदर जो लाइटें होती हैं, रीडिंग लाइट होती है, और रेड कलर की जो लाइट है वो बहुत ही प्यारी लग रही है। जब हम गाड़ी को चलाते हैं तो मीटर चलना चाहिए, मीटर भी चल रहा है, रीडिंग भी हो गई है ओके, ट्रिप मीटर भी काम कर रहा है, इंडिकेटर का जो लाइट होती है एरो वाले वो भी काम कर रहे हैं, कुल मिला के ऑल ओवर मीटर पूरा कंप्लीटेड काम कर रहा है। तो मैं फटाफट आपको मीटर का पास ले जाता हूँ और मीटर का दिखाता हूँ प्रॉपर, और खर्चा कितना आया था ये बता देता हूँ। देखो यार वैसे तो मीटर की क्वालिटी अलग अलग होती है, पर जो ऑरिजिनल मीटर होता है वो तो देखो यार कॉस्टली आता है, पर गाड़ी में फिट करके लेबर वगैरह इंक्लूड करके किसी का मीटर 3,000 का भी आता है, किसी का 4,000 का भी आता है, किसी का 2,000 भी आता है, किसी का 5,000 भी आता है, वो डिपेंड करता है कौन सी गाड़ी में आपको लगवाना है, ठीक है भाई। तो ये मीटर का जो कॉल है आप कर सकते हो मीटर वाले भैया को, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर दे रखा है। फटाफट मीटर आपको दिखाता हूँ मैं, उसके बाद आपको बताता हूँ। तो भाई ये देखो, ये है हमारी गाड़ी, और ये हमारे नदीम भाई है, ये है नदीम भाई, फर्स्ट क्लास मीटर, फर्स्ट क्लास काम कर रहा है। देखो हेडलाइट के लिए इंडिकेटर काम कर रहा है फर्स्ट क्लास, पेट्रोल देखो, पेट्रोल टैंक इसका आधा भरा हुआ है, तो आधा ही पूरा RPM का मीटर देखो, फर्स्ट क्लास काम कर रहा है, फर्स्ट क्लास मतलब कम्प्लीटली ऑल ओवर मीटर पूरा कम्प्लीट काम कर रहा है इसका। तो भाई ये हमारा है कुछ मीटर इस तरीके से लगा हुआ है। तो भाई नदीम भाई कुछ कहना चाहूँ? भाई मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं तो आप लोगों की सेवा के लिए बैठा हूँ भाई कोई भी मेरे लायक कोई काम हो तो बेधड़क होकर आइए मेरे पास। बिल्कुल भाई, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं बोलूँ सब्सक्राइब कर देंगे, सब्सक्राइब जरूर करना भाई, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। इस वीडियो को शेयर कर देंगे और इस वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। बिल्कुल भाई, भाई आपने बिल्कुल आपने सुन लिया भाई, चैनल सब्सक्राइब करना है, साथ में वीडियो को शेयर करना है, लाइक कर देना। मौसम बड़ा रंगीन हो रहा है, निकलते हैं यहाँ से, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।